देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा लॉकडाउन के समय केंद्र ने मजदूरों के लिए नहीं किया कोई इंतजाम। नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा ने कांग्रेस को दिया झटका, बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने थामा बीजेपी का दामन। प्रदेश के 3 शहरी सरकारों के लिए मतदान कल, चुनाव आयोग ने की पूरी तैयारी, बिना मास्क के नहीं दे सकेंगे वोट। भगवान महावीर कैंसर अस्पताल के डॉक्टरों का कमाल, मरीज को बेहोश किए बिना किया ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन। चलिए बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। तो बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के बड़े नेता बिहार में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार में आज 3 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। वहीं राहुल गांधी ने भी बिहार में रैलियों को संबोधित किया। पश्चिमी चंपारण में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने निशाना साधा। राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर कहा कि नोटबंदी और तालाबंदी का मकसद एक ही था, इसका उद्देश्य छोटे किसानों, छोटे व्यवसायियों, व्यापारियों, मजदूरों को नष्ट करना था। लॉकडाउन के दौरान बिहार लौटे मजदूरों का मसला उठाते हुए राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मजदूरों के लिए कोई इंतजाम नहीं किया, मजदूरों को पैदल भगाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य कमांडरों को संबोधित करते हुए सेना की जमकर तारीफ की। राजनाथ सिंह के बयान को पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर जारी गतिरोध के सीधे संदर्भ में देखा जा रहा है। 4 दिवसीय सम्मेलन में शीर्ष सैन्य कमांडर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की योद्धिक तैयारियों के साथ ही जम्मू कश्मीर में स्थिति की व्यापक समीक्षा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों की भुजाओं को मजबूती देने के लिए सरकार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि नई दिल्ली में आज सैन्य कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया, मौजूदा सुरक्षा माहौल में भारतीय सेना द्वारा उठाए गए कदमों पर मुझे बेहद गर्व है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में 16 राफेल विमान अगले साल तक शामिल हो जाएंगे। इन लड़ाकू विमानों के वायुसेना में शामिल होने से सेना की ताकत में और इजाफा हुआ है। वायुसेना के पास पहले से ही 5 राफेल लड़ाकू विमान मौजूद हैं, जो अंबाला स्थित गोल्डन एरो स्क्वाड्रन 17 में शामिल कर दिए गए हैं। फ्रांस का सबसे बड़ा जेट इंजन निर्माता साफ्रान भारत में लड़ाकू इंजन और कलपुर्जों के बनाने के लिए तैयार हो गया है। 16 में से 3 राफेल विमान 5 नवम्बर को भारत पहुँच जाएंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने युवाओं में कौशल विकास और संवैधानिक जागरूकता को आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज माना है। उन्होंने कहा कि कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। इस दृष्टि से पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय पशुपालन के कारगर उपायों के साथ विद्यार्थियों में कौशल उन्नयन और क्षमता विकसित करने के लिए भी निरंतर प्रयास करें। मिश्र ने आज यहाँ राजभवन में राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में संविधान पार्क एवं कौशल विकास केंद्र के ऑनलाइन शिलान्यास कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कहा। नगर निगम चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने कांग्रेस को झटका देने की पूरी कोशिश की। भाजपा मुख्यालय पर 3 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस और निर्दलीय नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की। इनमें से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सत्यनारायण सिंगल, राजसमंद जिले के देवगढ़ नगर पालिका के उपाध्यक्ष रेखा सोनी सहित कई नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने पार्टी का दुपट्टा पहनाकर इन सभी नेताओं को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस अवसर पर डॉ. पूनिया के साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित कई नेता उपस्थित रहे। प्रदेश के 3 शहरी सरकारों के लिए कल मतदान होगा, इसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इससे पहले भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। सतीश पूनिया ने पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव समय पर करवाने को लेकर अपनी बात कही। वहीं भाजपा नेता मदन दिलावर और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने अलवर में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले को प्रदेश सरकार को घेरा। मदन दिलावर ने कहा कि हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाना, उनकी संपत्ति लूट लेना, उनकी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करना आम बात हो गई है। प्रदेश के 3 शहरों के 6 नगर निगमों के लिए कल पहले चरण का मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। पहले चरण में जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर नगर निगम के लिए मतदान होगा। मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा। पहले चरण के 250 वार्डों में 1503 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जाएगा। प्रशासन ने इन 3 शहरों में होने वाले मतदान के लिए कमर कस ली है। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। मतदान स्थल पर बिना मास्क के किसी को भी मतदान नहीं करने दिया जाएगा।
राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल परीक्षा अगले महीने के पहले हफ्ते में आयोजित होगी। कांस्टेबल परीक्षा के लिए सेंटर की लिस्ट जारी कर दी गई है। जिन प्रतिभागियों को परीक्षा देनी है वे आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी लोकेशन को चेक कर सकते हैं। गौरतलब है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 5,438 पदों के लिए परीक्षा 6, 7 और 8 नवम्बर को होगी। हालांकि ये परीक्षा मई महीने में आयोजित होनी थी लेकिन कोरोना के चलते इसे टाल दिया गया था। परीक्षा के लिए लगभग 17.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। चलिए बात करते हैं जयपुर के महावीर कैंसर अस्पताल की, तो वहां पर एक व्यक्ति का ब्रेन ट्यूमर का एक सफल ऑपरेशन किया गया है। अस्पताल के न्यूरो एंको सर्जन डॉक्टर नितिन द्विवेदी और उनकी टीम ने सफलतापूर्वक की गई है। सर्जरी के दौरान पेशेंट न सिर्फ होश में रहा बल्कि हाथ पांव मूवमेंट करते हुए बात करता रहा। डॉक्टर्स की टीम ने पेशेंट के ब्रेन से ट्यूमर निकाल उसे कैंसर मुक्त कर दिया है। डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि मरीज का जागते हुए ऑपरेशन करने में सबसे बड़ा फायदा ये रहा कि ट्यूमर निकालते समय अगर शरीर के किसी हिस्से में कोई कमजोरी आती तो उसे तुरंत संभाला जा सकता था। इस ऑपरेशन में मरीज को लकवे से बचाने में तकनीक का कई स्तरों पर इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज पूर्णतः स्वस्थ था। डॉक्टर नितिन द्विवेदी, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जयपुर। पिछले महीने की शुरुआत में एक पेशेंट हमारे पास आया जो कि CISF का जवान था और एयरपोर्ट पे तैनात था। उसे सबसे पहले अपने हाथ में कमजोरी सी महसूस हुई कि वो कोई भारी चीज़ नहीं उठा सकता था। हाथ अपने आप नीचे चला जाता था, हाथ में काफ़ी कमजोरी थी, कोई भी चीज़ पकड़ने में उसको काफ़ी कमजोरी महसूस होती थी। वो वहीं पे इवेल्युएट किया गया था तो वहाँ पे पाया गया कि उसके ब्रेन में ट्यूमर है और ट्यूमर इस जगह था जो कि हाथ और चेहरे को कंट्रोल करता था, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह था। तो वो कई जगह से भटकता हुआ फिर हमारे पास आया। उसको देख के लगा कि अगर इसको सर्जरी की जाती है तो निश्चित रूप से हाथ और चेहरे के विकलांग होने की पूरी पूरी संभावना थी। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने डॉक्टर नितिन द्विवेदी जी ने मुझे पूछा कि आपका हम ट्रीटमेंट बिना बेहोश किए हुए कर सकते हैं, आप उसके राजी हैं कि नहीं है। मैंने हाँ कर दिया, मुझे ट्रीटमेंट चाहिए। जब मुझे बिना बेहोश किए किया ट्रीटमेंट, मेरा सारा मालूम पड़ रहा था, मेरा सारा शरीर काम कर रहा था, जहाँ भी पूछते उसके मूवमेंट करते, मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा था, ना वो डर लग रहा था मेरे को, कोई बेहोशी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। सारा ट्रीटमेंट भी देख रेख हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई डर नहीं है इस बात का। बूंदी के इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र में लेन देन को लेकर युवक के साथ झगड़ा हुआ जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इंद्रगढ़ पुलिस ने सोनू बैरवा और उनकी पत्नी मनीषा बैरवा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। गौरतलब है कि सुमेरगंज मंडी के सोनू और उसकी पत्नी मनीषा बैरवा ने लाखेरी गरमपुरा निवासी नरेंद्र बैरवा से 10,000 रुपये उधार लिए थे। नरेंद्र रुपये लेने के लिए सुमेरगंज मंडी आया तो सोनू के घर पहुंचा तो दोनों में झगड़ा हो गया। इसी दौरान सोनू और सोनू की पत्नी मनीषा ने नरेंद्र के सर पर वार किया। नरेंद्र घायल अवस्था में इंद्रगढ़ चिकित्सालय लाया गया, यहाँ से कोटा रेफर किया गया। कोटा ले जाते वक्त नरेंद्र की रास्ते में मौत हो गई। परसों रात को 9-10 बजे के आसपास के जो अभी मृतक है बंटी उर्फ नरेंद्र, ये क्या है कि लाखेरी का रहने वाला है, ये यहाँ पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ रिश्ते को पैसे का लेन देन था सुमेरगंज मंडी में, तो पैसे लेने के लिए ये और इसका मित्र राकेश दोनों सुमेरगंज मंडी में सोनू के घर पर आए हुए थे, सोनू बैरवा। तो सोनू बैरवा और उसकी वाइफ दोनों वहाँ पे थे, इनको पैसे के लेन देन को लेके इन्होंने आपस में इनके लड़ाई झगड़ा हो गया। उस लड़ाई झगड़े में इसके सोनू और उसकी वाइफ ने लकड़ी से मार दी थी। ये यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में इसको दौरान इलाज रेफर कर दिया था कोटा, जिसकी कोटा पहुँचने के बाद में मृत्यु हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।